ये कैसे कैसे स्थापना हुई थी इसकी? ये नागराज मंदिर हमारा बड़ा फेमस है और दूर दराज से लोग आते रहते हैं। ये 2 फरवरी 1992 में इसका जन्म स्थापना हुई। यहाँ एक सर्प देवता निकले थे जो बिल्कुल काले रंग के थे और बड़े जहरीले महसूस होते थे देखने में। फिर बाद में क्या हुआ, लोगों ने उन पर हाथ फेरना भी शुरू कर दिया। जैसे हम जो सर्प होता है वो जीभ बार बार निकलता रहता है, लेकिन वो हमेशा उन्होंने कभी जीभ नहीं चलाई और वो बिल्कुल शांत ऐसे ही बैठे रहते थे। उन्होंने फिर कुछ टाइम के बाद में यहाँ लोगों को यहाँ फिर उन्होंने जो है पर्चे वगैरह देने शुरू कर दिए और उन्होंने जो है फिर जो उसकी मन्नतें होती थी वो मांगता था, उसे उसकी पूर्ण हो जाया करती थी। यहाँ आहिस्ता आहिस्ता जो है काफ़ी लोग से दूर से लोग आने लगे और यहाँ काफ़ी मेला सा बनने लगा। यहाँ लोग जो भी आता था, ट्रैफिक भी जाम हुआ करता था। एक बार तो जो है रेल भी रुक कर यहाँ दर्शन करके पूरे के पूरे यात्री गए और यहाँ इसकी मान्यता बढ़ती चली गई। फिर इन्हें जो है काफ़ी टाइम के बाद में जो है 2-3 दिन तक जब तक ये रहने के बाद में फिर इन्हें गंगा जी ले जाया गया। मेरे सामने की बात रही है कि यहाँ इनकी जो है जो भी सामान वगैरह मंगाया गया था हापुड़ से, उनमें जो है खील वगैरह लाने की कमी रह गई थी, तो यहाँ ये कमी बहुत ज़्यादा खल रही थी लोगों को। अब तभी हम देखते हैं कि एक इधर से बहुत बड़ा ट्रक आया और उसमें बड़े बड़े बोरे लदे हुए थे और वो बोरा हमारे सामने फटा और उसमें तो हम देखे तो खील और मुरमुरे वगैरह ही थे। लोग प्रसन्नता से बहुत उल्लास हो गया उनमें और उन्हें फिर जो है पूरी तरीके से वो सब भर लिए गए और यहाँ से फिर इन्हें गंगा जी ले जाया गया। और गंगा जी से फिर वहाँ समस्या ये आ गई कि मुर्दे को गंगा जी ले तो जाते हैं लेकिन फिर वहाँ से वापस नहीं लाते। फिर लोगों का कहना है कि इन्हें देखा और इनमें फिर चेतना आ गई और ये जागृत अवस्था में हो गए, फिर इन्हें यहाँ वापस लाया और यहाँ इन्हें जो है समाधि स्थान वगैरह दिया गया। और यहाँ अब भी बहुत लोग आते रहते हैं। 2 फरवरी में इनका जो है जन्मदिवस मनाया जाता है और यहाँ भंडारे वगैरह बराबर चलते रहते हैं। बाहर के लोग आकर भंडारे भी यहाँ करते रहते हैं और यहाँ एक के बाद एक जिसकी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। जो टूरिस्ट दूर दराज से आने वाले हैं, कोई महाराष्ट्र से, कहीं उज्जैन से, कोई कहीं से, तो सब इधर से निकलते हैं और यहाँ सब रुक के जाते हैं, खाना बनाते हैं, ठहरते हैं और देखभाल कर बड़े संतुष्टि से यहाँ से लोग जाते हैं।